सूत्रों के हवाले से खबर है कि आयकर यानी इनकम टैक्स का नाम बदला जा सकता है। नया नाम डेवलपमेंट टैक्स या नेशनल कंट्रीब्यूशन हो सकता है। आयोग इस पर भी विचार कर रहा है कि इसे अलग से लागू किया जाए या एक फ्लैट रेट के तौर पर इसे लगाया जाए जिसे हर किसी को देना होगा। माना जा रहा है कि नीति आयोग इसे लेकर सरकार के पास जल्द प्रस्ताव भेज सकता है जिस पर अंतिम फैसला साल के अंत तक लिया जा सकता है। इससे पहले नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय ने कृषि आय को आयकर के दायरे में लाने की वकालत की थी। आयोग ने ये राय ऐसे समय में दी जब कई अर्थशास्त्री पहले से ही एक निश्चित सीमा से ज्यादा कमाई करने वाले किसानों को आयकर के दायरे में लाने की बात कर रहे हैं। पिछले काफी समय से काले धन के खिलाफ मुहिम में इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही थी कि लोग खेती बाड़ी के नाम पर मोटी कमाई दिखाकर आयकर से छूट उठा लेते हैं, लेकिन सरकार ने इसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा मानते हुए कोई फैसला नहीं लिया। देखा जाए तो देश में औसतन 22.5 करोड़ परिवार हैं जिसमें लगभग 2/3 ग्रामीण इलाके में रहते हैं। ग्रामीण इलाके में रहने वाले आमतौर पर आयकर के दायरे से बाहर हैं क्योंकि वहां पर कमाई का मुख्य जरिया खेती बाड़ी है। अब ऐसे में शहरों में रहने वाले 7.5 करोड़ परिवार बसते हैं जिन पर आयकर लगाया जा सकता है। आयकर में छूट के लिए तय सीमा के मद्देनजर 7.5 करोड़ से भी आधे निकल जाते हैं यानी कुल मिलाकर 3.75 करोड़ से लेकर ज्यादा से ज्यादा 4.5 करोड़ परिवार ऐसे बचते हैं जो आयकर का आधार बनते हैं। मई 2016 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने नीति आयोग को सलाह दी थी कि वो 15 साल का विजन, 7 साल की रणनीति और 3 साल के एक्शन एजेंडे पर दस्तावेज तैयार करे। दरअसल 17 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म करके इसकी जगह नीति आयोग का गठन हुआ था। ये संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और उसे निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार की नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण और तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APR।